फिर राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो फाइनली भाई आज है 8 तारीख और आज से मेरे ख्याल से पूरा पूरा 30 दिन रह गया, तो 60 दिन या 59 दिन है रहता है अभी, 2 महीना पूरा। तो चलो देखो, अभी मॉर्निंग वाला वर्कआउट करने जा रहा हूँ, खींच के रखने का सिस्टम। बॉडी कंडीशन तो मतलब ऐसा पहले कभी था नहीं जैसा अभी हो रहा है। चलो इसमें बिल्कुल बनाए रखना है, बिल्कुल जोर लगाए रखना है। बाकी गेम की तो देखे जाएंगे, जो भी प्लेस आएगा वो तो छोड़ देते हैं बाकी, है ना। आ जाओ। तो भाई सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है ना यहीं पर मिलता है, बहुत देर का, 2-2 मिनट 2.5 मिनट के लगते हैं। चलो पहुँच गए यहीं से, यहाँ से करने जाऊँगा आने वाली। तो आज भाई वर्कआउट लगाते हैं, गुरुजी भी आ गए, पहले आए हुए नहीं थे। वार्म अप हो गया, चेस्ट की वर्कआउट मारेंगे साथ, चेस्ट और शोल्डर। तो चलो वर्कआउट पूछते हैं और लग जाते हैं। चार से लेकिन चार सौ सौ रैप होनी चाहिए, चार हो गए। सौ रैप का मतलब ये नहीं है कि 10 किलो से मार दी, नहीं, हैवी के 400 रैप, उसके 40 के 400। तो भाई आज सबके 100-100 रेपुटेशन लगाने हैं। इंक्लाइन बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, इसका 60 रेपुटेशन निकल चुका है। वेट भी हैवी मारनी है और रेपुटेशन भी हाई। तो 90 तो कंप्लीट कर चुका हूँ, सिर्फ 10 और रह रही है, 5-5 लगाऊंगा इसमें, एक एक मिनट निकाल के। तो आ जाओ भाई, बटरफ्लाई के भी 100 पूरे करते हैं, इसका ऑलरेडी 60 हो चुका है। इससे पहले लगाना था बेंच प्रेस पर, खाली नहीं अभी बेंच, तो इसी का मार लेते हैं, कंप्लीट तो करना ही है। तो भाई देखो ऐसा है, पहले इंक्लाइन बेंच प्रेस के 100 रेपुटेशन, बटरफ्लाई के 100 रेपुटेशन, अभी बेंच प्रेस पे वेट नहीं लग रहा। चेस्ट का हाल देखियो, अभी इसके भी 45 लगा दिया हूँ, 55 और रहता है। तो भाई ऐसा है, बॉडी बनाने के लिए ना दिखावा करना बंद करना पड़ता है। अब जिसको चाहे जो लगता हो, बाकी कम वेट मारता है, भाई हम तो ऐसे ही मारते हैं, तुम बॉडी देखो बस। अगर आप डेली अगर 5 वर्कआउट करते हो, 3-3 सेट, 15-12-10 भी अगर लगाते हो ना, तो टोटल रेपुटेशन मेरे ख्याल से 180 या 200 रेपुटेशन होगी।
आज मैंने तीन वर्कआउट में 300 लगा दिया, अभी एक वर्कआउट और रहता है, इसमें भी 100 रेपिटेशन और मारूंगा, अभी केबल क्रॉस, तो 400 रेपिटेशन तो सिर्फ इसके हो जाएंगे, चेस्ट के, फिर शोल्डर भी लगाना बाकी, अभी फिर एब्स भी, इसको बोलते हैं मेहनत। तो भाई चेस्ट की आखिरी है ये केबल क्रॉस, अरे फाइबर देख सकते हो आप। तो फाइनली भाई वर्कआउट फिनिश हो गया, पंप देखो इतना भयंकर हो गया, अभी हिल भी नहीं रहा है। आज अब शोल्डर की वर्कआउट और पूछ लेते हैं गुरुजी से, और वो भी फिनिश करते हैं, फिर पेट के लगाएंगे थोड़ा बहुत। हो गए गुरुजी 400 दोनों के हो गए ना, चार वर्कआउट। पंकज आप सिर्फ हफ्ते में एक बार आराम से ट्रेंड करेगा, तुम एक बार आराम से एक ही बार ट्रेंड करना, दो बार नहीं करना, आप सब कम कर दें, जितना कम करेगा ना, पर क्योंकि बड़ा हो गया है। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा हो रहा है, हम मुद्दा क्या साले ये बड़ा हो रहा है तो ये छोटा ही हो रहा है। हाँ ये मतलब दिखेगी नहीं फिर इसकी वजह से, तो क्या करेंगे इसको कम करते ट्रेंड, ये थोड़ा सा छोटा मतलब इतना रह जाए। हाँ और ये शोल्डर भार बहुत अच्छा लगेगा, अब ट्रेड करते शोल्डर वाले। अच्छा ये ठीक है, दो दिन कराए थे। हाँ हाँ उसके बाद ये वाले सिंगल सिंगल आर्म्स हफ्ते में एक ही दिन करना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की आर्म्स की ट्रेनिंग करी है, तो मैं तेरे को बताऊंगा कितनी करनी है कौन सी डेट। तो चलो भाई फिनिश करते हैं इसका 4 सेट, और इसके बाद 4 सेट बैक डे फ्लाई। चलो भाई आज वो फिनिश करते हैं बैक डे फ्लाई लगा के कंप्लीट करके। पीछे से कटिंग भी आ रही है शोल्डर पे, पर अभी तो 2 महीने टाइम है, तो 2 महीने में तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, बस हमें तो हार्ड वर्कआउट करनी है, माइंड गुरुजी लगा ही रहे हैं बस। तो आ तो भाई पेट की थोड़ा लेवरेज लगा लेते गुरुजी, तो 400 रेपुटेशन बता के गए हैं, पर इतना आज निकल नहीं पाएगा, तो 200 रेपुटेशन लगा देते हैं, और 100 हो चुका है पहले ही।
सौ रेपुटेशन भाई इसके कंप्लीट कर लेते हैं वाली वर्कआउट, शाम को लगाएंगे साइड की, क्योंकि अब भूख भी लग गई और बहुत ज़्यादा वर्कआउट हो गया। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm भाई ऐसा है, कल मैंने बाइक बुक नहीं निकाली थी और मेरा चलान कट गया, मैसेज आ गया। और जब मैंने चेक करवाया तो एक तो ऑनलाइन पे कर रहा था तो उसमें चलान नोट अवेलेबल बता रहा था, नोट वैलिड बता रहा था। फिर मैं ट्रैफिक पुलिस के पास गया था, वो कहते हैं कि बहुत पुराना चलान है, जब पहले मैसेज नहीं आता मेरे पास। चलो कोई नहीं, बाकी पता नहीं कहाँ कटा था, हो सकता है एक आध दो बार हेलमेट बिना हेलमेट का चलाया था ना, इसलिए कैमरे की चलान थी। और भाई एक बात बताओ, किस किस भाई का फेवरेट है बाइसेप्स ट्राइसेप्स की वर्कआउट? हर किसी का तकरीबन फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट है। लेकिन अब एक थोड़ा सा छोटा सा बैड न्यूज़ की तरह लग रहा है कि हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बाइसेप ट्राइसेप चलेंगे, तो अभी शोल्डर और बड़े करने हैं तो बाइसेप और ट्राइसेप थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। तो चलो अब गुरुजी अपने हिसाब से करवाएंगे, अपने कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ चलना है, रास्ता दिखाने के लिए हैं गुरुजी। तो चलो अपना डाइट उठ लेते हैं, फिर शाम को जिम में आना है। चलो थोड़ा सा डाइट भी दिखाऊँगा आज। तो आज मैं एक टाइम में 6 एग वाइट खा लेता हूँ, फिर उसके बाद लंच करेंगे। देखो अभी वर्कआउट करके प्रोटीन पी के ही निकला था जिम से, तो आज फिनिश करते हैं 6 × 12 ग्राम प्रोटीन। तो भाई देखो ऐसा है, 450 ग्राम चिकन है बॉइल, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और जिंजर पेस्ट डाला हुआ अदरक लहसुन का, और थोड़ा सा सलाद में खीरे और थोड़ा सा चावल है, और हल्की सी मतलब बिना ऑयल और बिना मसाले वाली सब्ज़ी, बिल्कुल हल्की फुल्की डाली हुई है उसमें। तो भाई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है मुझे, बॉडी अपने बॉडी वेट से 2 ग्राम तो डबल से भी ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करना पड़ता पर डे का। और जैसे कि रिजल्ट देख रहे हो, तो जैसे कि गुरुजी ने बताया मुझे, उस हिसाब से पूरा परफेक्ट डाइट चला रहा हूँ। तो भाई देखो करोगे बोलो तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर बढ़िया होगा। आज मैं तो भाई फिनिश करता हूँ उसको फटाफट। देख रहे हो चाय पीने का तरीका, ठंडी कर रही हूँ यार मैं इसमें, पंखा नहीं चला रहा वो कैसे ठंडी होगी, 1 घंटे तक ठंडी नहीं होगी बेचारी। इतना कौन पीता है चाय? सुबह से एक बार अब पी रही हूँ, तो एक बार में पूरे दिन मेरी ये मेरी और प्रोटीन और साथ में क्या लेके बैठे मटर भूरी भैंस हर किसी के घर में डांगर होता है, मेरे पास भी आ गया एक। मेरे से ज्यादा तो आप खाते हो? मैं तो थोड़ा थोड़ा खाता हूँ, थोड़ा थोड़ा तो खाता एक बार में सबसे सपट जाती है। पिज़्ज़ा कोई नहीं, ठंडा हो जाएगा। आज दोस्तों थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं भाई, यही 3 फ्रूट अलाउ किया गुरुजी ने, फिनिश करके फिर उसके बाद चलते हैं जिम में, चल के देखते हैं कौन सा वर्कआउट लगाना है। वैसे बाइसेप ट्राइसेप्स तो भूल ही जाऊँ। आज दोस्तों चल के वर्कआउट लगाते हैं, एक दिन में 4 बॉडी पार्ट चलती हैं। अभी मेरे ख्याल से बैक और लेग्स लगाना पड़ेगा, मॉर्निंग में चेस्ट और शोल्डर की 2 वर्कआउट चली थी शायद, हाँ। तो आज अब देखते हैं बैक कंप्लीट होगा, फिर लेग्स में रेपुटेशन निकालना पड़ेगा, फिर साथ में साइड एब्स में लगाना है। आ जाओ गुरु जी से पूछ के लगाएंगे वर्कआउट। आज अब लगाते हैं अपना वर्कआउट, सेट कर दिया कैमरा, एक फ़ोटो लो मेरी सेल्फी Thank you.
कौन सा सिनेमा उस पे लगा लो, इस पे लगा लो। तो भाई पहला यहाँ से स्टार्ट हुआ है चिनअप्स, कटिंग बताओ कैसी आ रही है। To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me with. Simple. तो चार सेट चिनअप्स के बाद भाई लेट पुल डाउन, इसके भी चार लगाऊंगा। क्या है ये? And I'm falling, cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar, just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir, yeah. I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost, I'm sick of this place, don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. तो भाई ये नेक्स्ट वर्कआउट है, क्लोज ग्रिप में ही है, लेट पुल डाउन ही है। नशे तो ऐसे वजह से निकल के बाहर पड़ जाएगी। आ जाओ फिनिश करते इसको फटाफट। एक नंबर गए जब पानीपत में थे ना, अजीम करी थी उसमें, सिर्फ पूरे पानीपत में एक ही जगह था ये, मतलब पूरे पानीपत में किसी के पास नहीं था। मैं तो देख के खुश हो गया। तो भाई ये रोड देख रहे हो ना, ये वाला, ये देख के मैं सोच रहा था कि ये वाला लगाऊं, लेकिन वहाँ चक्रू जी बोलेंगे, इसलिए मैं उसी रोड से सिंपल लगा रहा था। तीन इसका मार देते हैं, चार उसका हो ही गया। इसी से तो भाई बड़े दिन बाद ये वाले कुंडे से वर्कआउट लगा रहा हूँ, मज़ा अलग ही मज़ा आता है इससे। तो रोइंग है, इससे पहले दो वर्कआउट हुई है और एक वार्म अप हुआ है। तो आ जाओ इसको फिनिश करते हैं चार सेट। Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job. ये वाला है, ये वाला नहीं, ये दोनों ही मारने, इनका बेंच उल्टा लेट और डंबल मारना अपना। अच्छा वो डंबल वाले हैं और तीन सेट ही मारेंगे। अच्छा तो आ जाओ भाई अपना, ये पेंट ओवर ही है, पीछे बार लगाई थी पीछे से पिछले बार। That pays us enough, I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking six shots, yeah, straight to the face and I'm फिर उसके बाद लेग्स लगाने, लेग्स लगाने, लेग्स
तो आज भाई 3 सेट 1 हैंड रोइंग लगा देते हैं और फिर इसके बाद हाइपर एक्सटेंशन भी लगाना, फिर लेग्स भी लगाना, भी बहुत वर्कआउट रह रही है यार। I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, now I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots. तो भाई कमर में तो पेन हो जाएगी अगर ज़्यादा वेट मारूंगा, तो हाइपर एक्सटेंशन लगा रहा हूँ। इसका भी 40-50 रेपुटेशन हो जाएगी, 30 हो गई है। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room. तो 80 रेपुटेशन हो गया है, 200 लगाने हैं पूरे, 120 रेपुटेशन हो रहा है, 4 सेट में पूरा करूँगा। वेट का कोई चक्कर नहीं है, बस रेप रेप निकालनी है। Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. मेरे भाई फ्रंट की लगाया था, अभी साइड की लगा लेते हैं, 100-150 रेपुटेशन। साला सारी वर्कआउट है भूल गया मैं धीरे धीरे एप्स के, क्योंकि 1 साल के बाद लगा रहा हूँ ना, कोई नहीं सारा याद आ जाएगा, क्योंकि एप्स देखूँगा पता लगेगा कहाँ पे काम करना है, सारी याद आ जाएगी। बाकी रहे गुरुजी बता देंगे। तो भाई देखो होगी वर्कआउट अपनी फिनिश, एक दिन में देख लो कितने बॉडी पार्ट चल रहे हैं। मॉर्निंग लगा था चेस्ट और शोल्डर और फ्रंट एब्स लगाया था, तो इवनिंग में हो गया बैक की वर्कआउट और लेग्स की और साथ में साइड एब्स। तो देखो बातें मारने वाले तो बातें मारते रहेंगे। मैंने कमेंट कहीं देखा था, तो उसमें कमेंट में बड़ा अजीब अजीब कमेंट आया था कि वेट मतलब देख के पता लगता है कि जितना वेट मारते मार रहे हो ना, इतना वेट देख के पता लगता है कि तुम्हारे बॉडी में क्या है। तो देखो भाई ऐसा है, जब रेपुटेशन निकालने की बारी आएगी, जब गेम की तैयारी चलती है ना, तो 5 किलो भी उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वैसे तो बातें मारने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, तुम्हारे मसल्स पंप होते नहीं, अब तुम वेट ही मारोगे और क्या करोगे, और दिखाने के लिए कुछ आई नहीं तो वेट ही मार के दिखाओगे। भाई हमारे मसल्स इतने भर जाते हैं ना कि हम 2.5 किलो का डंबल भी उठा लेना तो भी हमारा परफेक्ट काम करता है, क्योंकि हमें पता है वेट उठाने से बॉडी नहीं बनती। तो देखो भाई सब कुछ फिनिश हो गया है, बाकी समझदार लोग हैं सारे, तो आ जाओ पिए प्रोटीन, निकलते हैं घर चल के अपना डिनर करेंगे। और डिनर भी हार्ड है, मैं पूरा प्रॉपर डाइट नहीं दिखा सकता आपको इस टाइम का,
क्योंकि काफ़ी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे खर्चा देख के, तो इसलिए एक लिमिटेशन की दिखा रहा हूँ ताकि जो फॉलो कर सके। तो पी के पहुँचते हैं घर, अपना डिनर करूँगा और रेस्ट करूँगा। आप लोग भी कुछ तो करो यार, मेहनत करो, लगे रहो बस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसे लगे लाइक कमेंट शेयर करके बताना। जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।